সাবস্ক্রাইব করুন শাইন টিভি বাংলা, জেলার সব খবরে নিজেকে আপডেট রাখতে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করুন আর জানুন জেলার সব তথ্য। বিএসএনএল কে 4G সিস্টেমের আওতায় আনা এবং কর্মীদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বেসিক পে চালু, পেনশনারদের পেনশন সংশোধন করা ইত্যাদি মোট 5 দফা দাবি নিয়ে সোমবার ধর্মঘটে সামিল হয় জেলার বিএসএনএল কর্মীরা। এদিন বিএসএনএল কর্মচারীদের একটি সংগঠনের ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি সুমন ঘোষ সাংবাদিকদের সামনে তাদের দাবি সমূহ নিয়ে ম্যানেজমেন্টের প্রতি ক্ষোভ উগড়ে দেন। 18, 19 আর 20 ये तीन दिन जो है सो सारा ভারতবর্ষ में जितने भी यूनियन हैं, जितने भी एसोसिएशन हैं, ऑफिस यूनियन, ऑफिसर्स यूनियन एसोसिएशन एंड बीएसएनएल एंड एनएफटी अदर्स यूनियन, सब मिलकर के हम लोग एग्जीक्यूटिव यूनियन एसोसिएशन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव यूनियन, हम लोग टोटल मिलकर के गवर्नमेंट को हम लोग नम्र निवेदन करना चाहते हैं स्ट्राइक के माध्यम से, जो आप जनता के डिमांड को फुलफिल करें, जनता की जो समस्याएं हैं उसको आप देखें और उसके साथ साथ जो हमारी समस्याएं हैं उस पर भी आप निगरानी करें, उस पर भी आप देखें। ये हम लोगों का ये आज का डिमांड है। 4G पे और क्या मांग है? मेरा मांग आपके सामने पोस्टर लगा हुआ है, मेरा मांग है जो सेकंड पे रिविजन जो हुआ था उसका कुछ बाकी है उसको सॉल्व किया जाए, और थर्ड पे रिविजन जो है वह अभी तक नहीं हुआ है। इसी लेकर के हम लोग जो हैं, और पेंशन धारियों के लिए भी आप लोग जानते हैं जो पेंशन ही एकमात्र पेंशन धारियों के लिए एक सहारा है, जैसे बुढ़ापे का सहारा लाठी होता है उसी तरह से रिटायर्ड करने वालों के लिए पेंशन ही एक सहारा लाठी की तरह है।